नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। अपराधों का ग्राफ जिले में बढ़ता ही जा रहा है। वहीं चोरी की दो घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। पहला मामला मकसूदनगढ़ के पंचायत मार्केट में कपड़ा व्यापारी के यहां का है, जहां एक चोर ने ग्राहक के कपड़ों में से उसके पर्स पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें लगभग 2000 रुपए और कीमती दस्तावेज रखे हुए थे। चोरी की सारी वारदात कपड़े की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गयी। वहीं दूसरी घटना है मकसूदनगढ़ के भोपाल रोड पर गल्ला व्यापारी की दुकान की, जहां चोरी करने आए चोरों ने गल्ला व्यापारी की दुकान की शटर तोड़ दी और एक चोर शटर के भीतर भी दाखिल हो गया, पर एक गाड़ी को आते देख शटर के भीतर दाखिल हुए चोर और उसके साथी वहां से फरार हो गए। हालांकि गल्ला व्यापारी की दुकान से चोरी करने में चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। सारी घटनाक्रम गल्ला मंडी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल दोनों घटनाओं में मकसूदनगढ़ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं सूत्रों की माने तो एक चोर को पुलिस पकड़ने में कामयाब भी हो गई है। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। ये हुआ बड़ा चोर, ताले तोड़ने वाले गए अपने काम करके, अलग अलग डिपार्टमेंट है। ताले तोड़ने का काम होगा, नहीं जी समझदार आदमी दिख रहा है, ऊपर शर्ट है, एक वो जींस जो बेल्ट लगा था फिटिंग में, दोगे निकले तब तेरे को रुक ली चीनो बाबा ना बाबा ना
एक मिनट दिव्यांश छात्रावास पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर शिवानी रेखवार ने मनाया मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। इस मौके पर दिव्यांश छात्रावास के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सभी आए हुए अतिथियों का मन मोह लिया। वहीं मंत्रमुग्ध होकर डिप्टी कलेक्टर शिवानी रेखवार ने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभाशीष भी दिया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सभी अतिथियों ने छात्रावास का निरीक्षण भी किया। वहीं इस कार्यक्रम में ये देखने को मिला कि जब बच्चे अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे तभी वहां डीपीसी आशीष टाटिया लगातार डिप्टी कलेक्टर से बातें कर रहे थे। उन्हें बच्चों की प्रस्तुतियों से कोई सरोकार नहीं था। ग्वालियर संभाग आईजी गुना पहुंचे। गुना पहुंचकर ग्वालियर संभाग के आईजी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही लाल परेड ग्राउंड पर परेड की सलामी भी ली। एनसीसी में भर्ती के लिए आए शहर के कई छात्र, एसपी ऑफिस के पास आज एनसीसी के एडिट की भर्ती की गई। इसमें बाहर से आए अधिकारियों ने एनसीसी के बारे में जानकारी दी एवं एनसीसी की उपयोगिता के बारे में भी बताया। हिसाब से अपन जाते हैं उस एरिया को देखते हैं। पहले मैं मुझे पता नहीं मैं कहाँ पाऊंगा, मैं जाऊँगा उधर कैसे देख करूँगा मोटा मोटा मुझे रास्ते में क्या काम होगा ठीक किया जाता बताया जाता है। पहला काम होता है आपको अपना एक पहचान का चेक, चाहे वो रोड बाइक हो चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारा हो चाहे की जाती है ठीक है। और जब भी कभी ये जैसे नक्शे का है ऐसे ही जब आप नेविगेशन मार्च होता है रूट मार्च में हमको जो है रीडिंग दे दी जाती है कंपास की। उस रीडिंग के हाथ से हम कंपास लेकर चलते हैं और हमको एक डोरी दी जाती है, चलिए मिली डोरी दे दी जाती है। उस डोरी के आधार पर जो किलोमीटर्स हैं हमको, क्योंकि मैप रीडिंग लिखना पड़ेगा उसमें कितने किलोमीटर की आपका रूट मार्च है, तो उस दौरान कंकड़ के भी आधार पर कई चीज़ें उसमें कंकड़ भी है डोरी भी है, एक आपके जो एमपीबी के पोल हैं एक पोल से दूसरे पोल की दूरी। ये जो क्लास एनसीसी की चलती है इसमें हम जो नई युवा पीढ़ी है उसको प्रेरित करते हैं ताकि वो आर्मी की तरफ आकर्षित रहें। और सबसे बड़ी भावना जो है इसमें ये है कि जाके जो जहाँ दुनिया के अंदर नशा फैला हुआ है उससे जो बचे रहें, ये सेहतमंद रहें, देश की सुरक्षा के काम आए, देश में एकता की अगर हमें ज़रूरत है तो उस एकता के प्रति हम इनको जागरूक करने की कोशिश करें। मैप रीडिंग क्या होती है सर? मैप रीडिंग के बारे में इनको बताया जाता है
कि जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या हम J&K में हो या कहीं भी, उसके बारे में उनको ये पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जिस भी क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र के मुताबिक, उस मैप के मुताबिक ये वहाँ पे काम करना शुरू करें। मैप तो एक आर्मी का वो है एक मेन, ताकि हम आर्मी में किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जहाँ अपना जो मैप है उस मैप से हमें पता लगता है हमारी लोकेशन कहाँ तक है, हमारी लोकेशन के अंदर क्या क्या मुख्य जो पुरानी इमारतें हैं, जबकि इनका सर्वे हुआ है, उन सर्वे के बारे में और उनकी सभी उन क्षेत्रीय के बारे में हम उनको जानकारी देने की कोशिश। जमीन की सतह का भी इससे पता चल जाता है, सतह का पता चल जाएगा कितनी जमीन से नीचे है, वो मैप के ऊपर लिखा रहता है। अच्छा, जो मैप उस अगर जिस भी एरिया का मैप हो तो वो लिखा रहता है ये समुद्री तल से कितनी ऊंचाई का है। जहाँ गुना विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार गोपीलाल जाटव ने भरा पर्चा। आज गोपीलाल जाटव द्वारा गुना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा गया। आज दोपहर अपने समर्थकों के साथ गुना कलेक्टर कार्यालय में पर्चा दाखिल किया गया। स्थानीय वंदना कॉन्वेंट स्कूल में हुआ दौड़ का आयोजन। वंदना स्कूल में आज 100 मीटर, 400 मीटर व 200 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दो ग्रीन एक रेड, दो ब्लू दो रेड दो ग्रीन दो येलो, ग्रीन 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 सीनियर वर्ग में आयोजित की जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस ग्रुप में 5th-6th एक ग्रुप है, 7th-8th, 9th-10th, 11th-12th जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और क्या कहते हैं शॉर्ट पुट, लॉन्ग जम्प ये आयोजित की जा रही है। ये आज के दिन हमारे यहाँ स्पर्धा परमानंदी इसके जिन्हें आज इसका उद्घाटन किया है और ये प्रतियोगिता 2 दिन चलेगी, जिसमें क्या कहते हैं लगभग 6th-12th के खिलाड़ी जो चयनित खिलाड़ी हैं वो भाग ले रहे हैं और अपने प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर 100 मीटर आज 200 मीटर और 400 मीटर के फाइनल जो यहाँ पर हीट्स हैं वो हो जाएंगी और कल यहाँ पर आज ही क्या प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे और कल भी यहाँ पर क्या कहते हैं जूनियर वर्ग का 8th क्लास की मार्च पास्ट है और साथ में प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। गुना से निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप चंदेल ने भरा पर्चा। गुना विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शहर के युवा प्रदीप चंदेल ने आज पर्चा भरा। वहीं उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। Thank you.
राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2018-19 का हुआ आयोजन। एक निजी स्कूल में साइंस सेंटर ग्वालियर द्वारा जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छ भारत स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान तकनीकी और नवाचार, इसमें छात्रों द्वारा अपने विचार भी रखे गए। साथ ही विज्ञान के मॉडल जो छात्रों द्वारा बनाए गए थे उनका प्रदर्शन भी यहां किया गया। कंजर्व करते तो हर घर से कितना पानी कंजर्व होता है, जो ये गुना रो रहा है ना, जो वाटर लेवल कम होने पर वो रोना बंद हो जाता गुना के लोगों का। अगर इस पर अगर वन मंडल द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उद्यानिकी कार्यों का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारी मौजूद रहे। यहां पर वन विभाग के कर्मचारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उद्यानिकी कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। थोड़ा सा उसको बताने का प्रयास करेंगे क्या क्या आप करते हैं इमारती लकड़ी, जिसको मानते हैं आप, क्या समझते हैं। हम 1927 की धारा 2 में 2 क्रम 6 में इसकी परिभाषा दी हुई है। इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी के अंतर्गत वे वृक्ष आते हैं जो गिर गए हो या गिराए गए हो, या समस्त लकड़ी जो किसी प्रयोजन के लिए काटी गई हो या फिनिश्ड की गई हो। हमको प्रकरण भी जारी करना पड़ता है, सभी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो फील्ड स्टाफ है उनको भली भांति कानून की जानकारी हो, वन उपज क्या है, वन अपराध क्या है, तभी हम अच्छी तरह से प्रकरण जारी कर सकेंगे। पहले तो वन अपराध हम जारी करेंगे तो सबसे पहले हमको वन उपज की जानकारी होना चाहिए कि वास्तव में ये कौन सी वन उपज है, क्या विनिर्दिष्ट वन उपज है, लघु वन उपज है, ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं जो है अवैध अतिक्रमण पहले कम हुआ करता होगा, अब तो हमको आना चाहिए। नहीं किसी की नीयत तो अच्छी हो कहते यार ये तो पैसा सरकारी है ना, क्यों आर जारी कर दो इसको है, तो उसमें आप उसकी परिभाषा पढ़िए। वन उपज क्या है आप देखिए, क्या मिट्टी वन उपज है, प्राप्त होता है वो या तो आपको जलाऊ प्राप्त होता है या आपको काष्ठ प्राप्त होता है, तो काष्ठ इमारती। विकास से कोसों दूर बमोरी विधानसभा क्षेत्र का गाजीपुर गांव, जिले की विधानसभा बमोरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत गाजीपुर आज भी विकास के मुख्य धारा से कोसों दूर है। हैरानी करने वाली बात यह है कि यहां छोटे छोटे स्कूली बच्चे जान की परवाह न करते हुए स्कूल जाने को मजबूर हैं। 7 गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के बीच पड़ने वाली निवारी नदी पर पुल न बनना इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। ग्राम गाजीपुर के ग्रामीणों ने बताया कि इस विधानसभा से मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान विधायक ने इस गाँव की सुध नहीं ली और जीतने के बाद इस गाँव में आए हैं जब चुनाव आ गए। गाँव के एक ट्रैक्टर चालक ने बताया कि वह निःशुल्क सेवा भाव से बच्चों और ग्रामीणों को अपने ट्रैक्टर से दिन में 2-3 बार नदी पार करवाते हैं। हाँ धीरे जाते हैं, क्या समस्या है, पुल की समस्या है, बच्चे स्कूल जाते हैं कैसे जाते हैं, ये ऐसे ही ट्रैक्टर से ही निकालते हैं, ऐसे ही रोज निकाल रहे हैं। तो आप इनसे कुछ पैसे लेते हैं या ऐसे धर्म करते हैं? धर्म करते हैं, पैसे नहीं लेते। तो करीब कितने चक्कर लगाते हो रोज? रोज 2-3 जैसे बच्चे हो जाते हैं उसी तरह निकाल देते हैं। अच्छा, तो ये ऐसे निकल नहीं पाते हैं? ऐसे नहीं निकल। करीब कितने गाँव जुड़े हुए हैं रास्ते से? 7-8 गांव है। अभी तक क्या क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ विकास, कोई विकास नहीं हुआ, ना तो मंत्रियों ने किया विकास, ना सरपंच ने, विधायक ने विकास करे, कोई नहीं। विधायक कौन है आपके गांव का?
संजीव सिसोदिया, संजीव सिसोदिया, उनका कैसा कार्यकाल रहा है? कुछ नहीं किया उन्होंने। श्याम को आए थे, शासन नहीं है। श्याम को अभी हमने बोला, श्याम को आए थे, हमने श्याम को बोला कि ये पुलिया के विषय में बात मत करो, आचार्य संहिता लग गई, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो जब ये पुलिया का आपने उनको बनाने का बोला होगा, बोला था ना, कब बोला था आपने? जब ही बोला था हमने, कब जीत गया, जब पहले इलेक्शन में जब चुनाव लड़े थे ना, जब ही हमने बोला था उनसे, हर पाँच साल में बोल रहा है, आज कह रहा है भाई, जब पाँच साल पहले ही बोला था हमने, कल पाँच साल पहले ही बोला था, जब ये चुनाव लड़े थे ना, जब ही हमने बोला था, मैं ही अकेले नहीं, पूरा गांव ने बोला था। तो मतलब पाँच साल गुजर जाने के बाद भी, हाँ, आज तक मतलब ये पुलिया वगैरह नहीं, कुछ नहीं हुआ, नहीं बनाई, नहीं जी, गांव वाले ही बनाते। तो अच्छा, और क्या क्या विकास आपके यहाँ अधूरे पड़े हैं? नदी जो पुल नहीं है, नाली नहीं, गाँव में खरंजा, सीसी खरंजा नहीं है, नाली नहीं है, गंदगी रहती है नाली में, नाली के बिना गंदगी रहती है, खरंजा होना बहुत जरूरी है। और तो भी आज तक पाँच साल पूरी हो गई, दोबारा इलेक्शन में होने लगा है, आज तक कुछ नहीं किया उनने। और मंत्री जी ने भी ये मंदिर पे ही, उन मंत्री जी ने कन्हैया लाल जी ने बोला था कि मैं मंदिर पे हाथ उठा के कसम खा रहा हूँ, मैं आपकी समस्या का निदान करूँगा, आपका दुख दूर करूँगा। तो मंत्री जी चले गए, उनने भी कछु नहीं करो, संजू भैया भी चले गए, उनने भी कछु नहीं करो, जनता जो है मारी मारी फिर रही पंचायत की जनता, बने जब से जो है कह देते हैं, झाड़ सुनी और झाड़ निकाल देते हैं, वो बारो हाल हो रहा हो जब या पंचायत, आज तक उन्होंने बिना तो बीजेपी अच्छा, किया कुछ आप लोग, कांग्रेस वालों ने किया कुछ, चले गए, आज तक कुछ नहीं किया। किसने बोला था आपको? मंत्री साहब ने, किरण साहब, कन्हैया लाल के बारे में आए, हमने कही साहब लाट में आना से नहीं मिलती है, तो मेरी फोन ना ब्लॉक लगा लो, हाँ झूठ बोल रहे हैं जी, गंगा जी भाई। अच्छा, और अभी जो विधायक महोदय हैं, उनके बारे में क्या कहें? संजू साहब आते संजा के, हमने कही साहब वोट तो हमने आपको जिता दिया, आपने कुछ कांच भी नहीं लगाया मंदिर पे, कुछ मन्नत बाजे भी नहीं दिए, ढोलक नहीं दी, इसलिए हम तो देखो कौन के भाग में किया उसकी पंचायत। मानना ये है कि इससे बड़ी समस्या पूरी विधानसभा में नहीं है कि जहाँ पर तीन महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये नदी है जो जमराव गाजीपुर के बीच में है, जुने हुए प्रतिनिधि चाहे कांग्रेस के रहे हों, भाजपा के रहे हों, पूर्व मंत्री रहे हों, इस क्षेत्र को पूरी तरह से उन्होंने निग्लेक्ट किया और कोई विकास नहीं कार्य किया, इसकी मैं घोर निंदा आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। तो ये आप पहली बार देख रहे हैं या अभी आपने पहले भी इस जगह को देखा है इसी तरह की समस्या? मैं कई बार आया गया हूँ गर्मियों में, बिल्कुल आना जाना तो संभावित होता है, पूरा छः महीने ये रास्ता पूरी तरह से पानी की वजह से बाधित रहता है। मैं अभी परसों भी आया था और परसों आने भी देखा कि बच्चे तीन महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं और जो बड़े बच्चे हैं वो बिल्कुल आधे डूबे जा रहे हैं, कोई अनहोनी हो गई, कोई बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा, ये भाजपा कांग्रेस के नेता या जिला कलेक्टर, कौन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यहाँ तो खतरे वाली बात है पूरी तरह से। अच्छा, जैसे हमने अभी देखा कि ये जो ट्रैक्टर है सवारियों को लेके, बच्चों को लेके जो छोड़ने जाते हैं, तो ये क्या कोई पंचायत की तरफ से सेवा लगाई गई है या हमें तो उनने बताया कि मैं तो सिर्फ धर्म के नाते ये काम करता हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बात है, मानवता के नाते बच्चों के ले जाना और ले आना पड़ता है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कहाँ करेंगे, स्कूल तो उधर ही है, तो मजबूरी में पढ़ाने के लिए तो बच्चों को जाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि ये अनुसूचित जाति की बस्ती है, वहां से बच्चे तो तीन महीने से पढ़ने ही नहीं जा रहे, हाँ पूरी तरह से, और पूरी तरह से ये गांव जो है नेताओं ने निग्लेक्ट कर रखा है। अब इससे बड़ी अनहोनी क्या बात होगी, देखिए बच्चे कितनी खतरे की बात है, कोई अनहोनी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, वर्तमान विधायक होगा, पूर्व मंत्री होंगे या कांग्रेस भाजपा के नेता है, क्योंकि यही चुनकर बार बार आते हैं, और यहाँ के लोगों के साथ, इन गांव के लोगों के साथ इन दोनों नेताओं, कांग्रेस भाजपा के नेताओं ने धोखा किया है, और समझ लीजिए इन्होंने अपनी जबान को भी नहीं रखा, मंत्री कसम खा गए तब भी नहीं बनवा पाए। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।